वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है, दुलफित्र का। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा वीडियो लेट हो गया ईद की मसरूफियत की वजह से। ये जो हमने ड्रेस लिए थे उसकी वीडियो अभी बता रही हूँ मैं घर में। ऐसे कुछ खास नहीं वीडियो बनाई ईद की शॉपिंग की हमने, ये तो बताई थी मैं पिछले वीडियो में। मेरा बेटा आ गया है नमाज़ पढ़ के, ये अभी शिफ्ट हो गया है, 2 साल हो गए, 2022 में शिफ्ट हो गया था, मगर नमाज ईद के लिए यहाँ पर आया है। सुबह नमाज होने के बाद यहाँ पर आता है, दिन भर रहते हैं फिर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में ही थे, जॉइंट फैमिली, लेकिन अब 2 साल से उधर शिफ्ट हो गया है। अब ये लोग आए हैं ईद के लिए। ये भत्ते हैं, बेटा मेरा पोता नीचे गया है चाचू को मिलने के लिए। ये बच्ची आ गई है उसकी, ये छोटी वाली बहू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद का दिन इस तरह से गुज़र रहा है। ये हमारे पकवान पक रहे हैं, शीरकुरमा बन रहा है, रेडी हो रहा है नाश्ते के लिए। और ये हमारे सांदन बन रहे हैं, जिसके बगैर हमारी ईद अधूरी है। हमको चाहिए ये सांदन, हमारे गर्म हो रहे हैं। वैसे हम नाश्ते में मटन कोरमा बना है, उसके साथ खाएंगे सब साथ मिलके। और फिर ये सेवैयाँ भी बनी हैं यहाँ पर, ये देखो इस तरह से हमने सेवैयाँ भी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये बिरयानी है, ये मेरी छोटी बहू ने बना के लाई, वहाँ से रेडी करके लाई। फिर शाम के वक्त थोड़ा सा घूमने के लिए लोग, बच्चे लोग को लेके निकल गए, थोड़ा सा घूमने गए। ज़्यादा तो नहीं वीडियो लंबी कर पाए हम, बहुत मसरूफियत की वजह से। फिर हमें एक इधर हमारी जेठानी बड़ी बीमार हैं, उनको देखने भी जाना था, और इसको एक ही दिन की छुट्टी रहती है, थोड़ा सा इनको घूमने के लेके गए। वैसे हर जगह तो दसों बार जा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ईद के लिए एंटरटेन के लिए बच्चों को लेके वो बाहर गया था बेटा मेरा। देखो इस तरह से लोग मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को तो बहुत एंजॉय होता है छुट्टी के दिन। ये लोग फिर आए, हम लोग फिर एक जगह, हमारी जेठानी जो बीमार थी उन्हें देखने के लिए जाना था, तो वहाँ हम गए तो मेरी भतीजी की पोती का फर्स्ट बर्थडे था, उन लोग घर में ही मना रहे थे। हम तो वहाँ जेठानी को देखने के लिए गए जो बीमार थी, हमारी बड़ी जेठानी, तो वहाँ पर हम शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए उसकी एक फ़ोटो खींची हमने, ये छोटी बच्ची उसकी। फिर हमारे यहाँ गांव से आम आ गए, बड़ी बहू के भाई ने आम लेके आए गांव से, कच्चे आम है हापुस के, जो अब वो बड़ी बहू पकने के लिए रख रही है बॉक्स में। इसी तरह से हमारा ये ईद का दिन गुजर गया। अब इनको पकने में तकरीबन 8-10 दिन लगेंगे आम को। अब ये पुल्ला है, जो पुल्ले में डालते हैं गर्म रहता है, इसमें डाले तो अच्छे से पकते हैं आम। तो ये पुल्ला भी है जो गांव में रहता है, खेतों का खेती काटते हैं उसों के मिलता है, तो इसमें डालेंगे आम तो बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो अभी हम ये डाल रही है मेरी बड़ी बहू। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पकने के बाद हम वीडियो बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये ईद का दिन गुजर गया। अब ये सब बन करके रख देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।